सो हेलो गाइज, हाय, मैं आपका फ्रेंड रवि द्विवेदी। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। सो आज वीडियो अपलोड में थोड़ा साउंड होगा, बैकग्राउंड नॉइस होगा, तो सॉरी फॉर दैट। सो आज का ट्रेड डिटेल्स मैं बता देता हूँ, क्या कैसे लॉजिक था और कैसे लिया मैंने ट्रेड। तो स्टार्टिंग में मैंने 35,000 का पुट ऑप्शन लिया था और उसमें 100 क्वांटिटी थी। आप यहाँ पोजीशन देख सकते हैं, 536.94, मतलब 537 रुपये में लिया और नीचे में वो 432.85 रुपये में काटा। 100 क्वांटिटी का ट्रेड था, ठीक। तो इसमें मेरे को 100 पॉइंट का लॉस गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे लिया हूँ। ये दोपहर में टाइम अगर आप देखना चाहोगे तो इसका यहाँ पे था, ये वाली कैंडल जब बनी तो मैं इसको लिया कि ये वॉल्यूम के साथ ऊपर प्राइस जाने लगा वी वैप में सपोर्ट लेके। तो टॉप में मेरा यहाँ कहीं पे एंट्री हुई थी इसकी 537 के लेवल पे। फिर दिखा कि सेकंड में वो पूरा कंप्लीट कैंडल रिवर्स हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल रिवर्स हो गया, अब ये अपने पोजीशन को रिवर्स किया उसको लिया। देखिए अगर इसको होल्ड करता तो मेरे यहाँ पे 50-60 हज़ार का लॉस हो जाता एक्सपायरी का। तो इसको रिवर्स किया तो तुरंत पे 34,600 का कॉल ऑप्शन को लिया। और अगर इसका ट्रेड दिखाऊँ आपको तो थोड़ा सा नेट का भी इशू आ रहा है यहाँ पे, तो उसके कारण ये वीडियो में हल्का सा प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं 34,600 का कॉल ऑप्शन, 34,600 का कॉल ऑप्शन, तो ये पोजीशन रिवर्स हो गई थी, मतलब रिवर्स पोजीशन लिया इसमें। नेट का इशू आ रहा है इसलिए शायद मैं शो नहीं कर रहा है, नेट का इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं बाद में उसको वीडियो बनाता हूँ, ये प्रॉब्लम कर रहा है वीडियो। ओके, हाँ तो यही पे हो। तो इसमें नेट का, हाँ अभी जाके लोड हुआ चार्ट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे में लिया, ठीक, मैं इसको अराउंड 114 के आसपास में 114 के लेवल पे लिया था और यहाँ पे लिया था अराउंड 114 के आसपास। तो आप देखोगे एंट्री मेरी समवेयर यहाँ पे हुई, इस कैंडल में 114 में हुई। वो दिखने लगा कि अब वो रिवर्स हो रहा है, मतलब उसका अपोजिट ऑप्शन आपका तेज चलेगा। तो 114 में हुआ और इसी कैंडल में मेरे को यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया, ये 133 में, और ये ऊपर 144 तक गया, फिर सपोर्ट लेके ये देखो यहाँ तक गया 360, फिर रिट्रेस होके आया 180, फिर ऊपर गया ये 500। मतलब ऑलमोस्ट अगर होल्ड रखते तो इसमें अपना 4 लाख के अराउंड का प्रॉफिट बनता। लेकिन ठीक है, वो सब नहीं सोचना क्या बनता, क्या बना वो देखना ज़रूरी है। तो मतलब आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग आना चाहिए ऑप्शन अगर ट्रेड करते हैं तो। ऐसा नहीं लेके उसको आप बैठ गए और होल्ड कर रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, गलत हुआ ट्रेड, एग्जिट उसके बाद, और रिस्क के हिसाब से एग्जिट रहता है इसमें। सो इसका जो रिस्क था मेरा 3 से 4 हज़ार का था, लेकिन बीच में कुछ बात कर रहा था मैं किसी से, तो ये ट्रेड को मैं स्टॉप लॉस नहीं हिट लगाया हुआ था, मैं लाइव में स्टॉप लॉस निकालता हूँ तुरंत। तो इसमें हुआ क्या, मैं कॉल आ गया, बात करने लगा, तो वो ट्रेड में फिर मैं नहीं निकाल पाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो नीचे में 2-4-5-10 मिनट के बाद देखा तो वो नीचे में चल रहा था, 5-6 हज़ार का लॉस चल रहा था, 7-8 हज़ार का। तो जब निकाला तो 10 हज़ार का उसमें लॉस हुआ था मेरा 35,000 का पुट ऑप्शन में। तो मैं उसके बाद जब देखा कि वो नीचे जा रहा, मतलब ये अब ऊपर निकलेगा अपोजिट ऑप्शन, तो इसको लिया और इसमें क्विक मेरा लॉस कवर हुआ और मेरे को अराउंड 1% का टारगेट भी मिल गया इसमें। सो एग्जिट हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो 3 से 4-5% का टारगेट मिल गया, नहीं 3% के अराउंड टारगेट मिल गया। तो इसमें फिर एग्जिट भी हो गया था 34 वाले में, इसमें मैं लिया था। और ये 9 सेकंड का ट्रेड था, 114 पे लिया था, 114.9 में, मतलब 115 में और 133 में, तो मतलब कुल मिला के इसमें अपने को 18 पॉइंट मिले। तो 18,000 का प्रॉफिट आया इसमें, 19,000 मानो। तो कुल मिला के ये ओवरऑल ट्रेड डिटेल था। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार, हुआ क्या बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी दिख रहा था कि अब ये रेंज का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो पहले जब मैं पुट ऑप्शन लिया तो इसलिए पुट ऑप्शन लिया था क्योंकि ये कैंडल रिजेक्ट करके नीचे साइड आ गई, मतलब अब ब्रेक करेगा ये नीचे का लेवल तो बहुत फास्ट मोमेंटम होगा, इसलिए मैंने ये लिया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही ये कैंडल ऊपर रिवर्स करके चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेड फेल हो गया। अब उसको आप अगर होल्ड करे बैठे रहता हूँ मैं तो 35,000 में पूरा, मतलब 100 क्वांटिटी में 50,000 का लॉस जाता। लेकिन फिर इसको एग्जिट किया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ऊपर में 34,700 के लेवल्स में, तो फिर ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे देखोगे तो 35,199 के ऑलमोस्ट 35,200 के लेवल पे गया। तो वहाँ से क्विक मोमेंटम हुआ ऑलमोस्ट लाइक 400-500 पॉइंट्स का। सो दिस वाज द ओवरऑल ट्रेड डिटेल। सो अभी नेट का इशू आ रहा है तो आई विल स्टॉप दी एंड पॉज दी वीडियो एंड होप टू मेक द वीडियो सेम लॉजिक फॉर टुमारो। सो थैंक यू गाइज, ओके।